कोई आम मुसाफिर नहीं संत महान सुताए। बांस दे विच श्री गुरु रविदास महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़े दियां बहुत बहुत मुबारक जी। मेरे वालों थानू सारयां नूं ही प्यार भरी सति श्री अकाल जी। चलदे जी काम महाराज की कृपा नाल बहुत वधिया फतेह ते बाकी वीरो फसलां भी वधिया हो रही। तो हुण थानू पता है भी कणक नूं बल पैगी हुण पक्कण दे दिन दिन भी लगन लग गए धुप लग गई पैण। तो बाकी थोड़ा सारयां दी स्वागत है जी मेरे यूट्यूब चैनल सरबजीत महल ब्लॉग्स ते। बाबा सुख रखे थानू सारयां नूं ही दुध पुत खुशियां केड़े थोड़े सारयां दी कमाईयां च होवे जी बरकतां। ते नाल दी नाल इक होर रिक्वेस्ट है जी जिन्हें भी मेरा चैनल हल तक सबसक्राइब नहीं करिया वह भी चैनल नूं सबसक्राइब करन दी कृपालता करियो जी। ते बाकी सब तो पहला जी थानू एडवांस दे विच श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े दियाँ बहुत बहुत मुबारक जी। बाबा सुख रखे सरबत दे भले दी करो अरदास सारा दे परे मेहर भरिया हथ रखे जी। सो जिथे भी तक मेरी समझ लो वीडियो देखते हो तुसी देशों विदेशों दे विच बैठे फिर तो दोबारा दिल दी गहराई तो धन धन जगत गुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े दियाँ थानू बहुत बहुत मुबारक जी। तो बाकी देखो जिकणा दा ना भी क्या कहिंदे आपां हुण देखो जी भगत रविदास महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा चल रहा। मैं थोड़ा अपने पिंड दी गल दसदा साडे पिंड दे विच ना और एक बाबा असी कदे देखिया नहीं जी चलो बाबा भी नहीं कह सकते एक बंदा भी फेरी पाउंदा फिरदा जी समझ लो भी खैर मंगना जिन्हों कह दिंदे आ खैर भी एक समझ लो भी वह जाई नहीं मंगदा। चलो मैं वो एक वीडियो क्लिप कैद की थानू दिखाउणी है भी मेरे मन में ऐ लग्या भी इस बंदे ने देखो भी खैर मंगते हैं किन्ना हुण साडे उरे ना जी वह गुरु की कथा ही गाँव फिरदा था जी गुरु के गुण गाँव फिरदा था। सो मैनू महसूस दिता भी यह देख लो किकना घूमता फिरदा जिथे उन्होंने न्याणे दिखते हैं दस बारह उत्थे खड़ के फिर गुरु की महिमा गाँव उरे अपने भी घर के मूहरे पमूरे ही खड़े थे सारी तो मैं भी बाहर जाके खड़ गया तीन चार जने होर खड़े थे उत्थे भी उन्हें शब्द है जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी का माछीवाड़ी के जंगलों का जी भी बहुत सोहना गाया जी। तो वह मैं हुण तुहानू दिखाउणा है तो जाने जिकणा का कहिंदे माहौल हुंदा है ना उकणा दा ही सब कुछ हो जाता जी। तो मैनूं लग्गा भी उन्हें बहुत वधिया है जिहड़ा भी शब्द गाया इकणा ही उपराला करो भी अपनी जिंदगी दे विच कोशिश करो चंगे बनन दी जे असी चंगे होंगे जां असी किसी नूं चंगे गुण दोंगे उहदे विच चंगे गुण आ जूंगे। सो इकणा ही माड़ी संगत तो बचना तुहानू पता अजकल हालात किहो जिहे आ नशे का दौर बहुत चलता। सो अपने बच्चों भी वध तो वध गौर रखनी है भी कितने गलत लाइन तक तो नहीं जाते तो भी जिकणा हुण चलो बाकी बहुत ही गल नहीं करनी चाहता है गल गह दे गह वधी जाती है जी। तो हुण आपां देखदे जी ओह देखो भी उन्हें किन्ना सोहना शब्द है जिहड़ा भी बाई वह कहिंदा चलो बाई मैं कहता पहली गल्ला मिलिया जी मैनू कदे अज तो बाद पता नहीं बाद मिलना या नहीं पहली गल्ला उरे आ रहा तो शब्द जी सुबह अमृत वेले था जी देख लो पांच तो छे बजे साजरे साजरे साढ़े पिंड दे विच जो टाकियां च नूं आवाज़ कन्नां दे विच पैंदी हा 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 बड़ा आनंद आउंदा। गुरबाणी तो तुहानूं पता ही है वीरो गुरबाणी च तो ऐसा रस आ तां कहिंदे मुरदे च भी जान पा दिंदी है। सो इक नहीं चलो हुण मैं तुहानूं दिखाउंदा जी सब तो पहला बने रहो वीडियो दे नाल। कहिंदा साधु दी कोई तमन्ना नहीं होनी चाहीदी साधु जल तो भी ठंडा चाहिए ठीक है। दशमेश पिता जो सवेरे सिर के परना लेके समझ गया कि मांगन गया सो मर गया कफन बन के जाने शीश दिया इन लाल को हर बार दिया सुत चार चार गए तो क्या हुआ हर जीवत कई अदर जंगल माछी बाड़े दा बेनती करे गवामानू ओ जंगल माछी बाड़े दा बेनती करे गवामानू जंगल माछी बाड़े दा बेनती करे गवामानू कोई आम मुसाफिर नहीं ए कोई आम मुसाफिर नहीं
संत महान सुताए साडा शोर ना करियो मेरा मेहमान सुताए साडा शोर ना करियो मेरा मेहमान सुताए जंग करदा आए एक संत सिपाही चेहरे तो चलक रिया ए नूर इलाही हैली बाज फकीरी दा उंज सुल्तान सताए हाड़ा शोर ना करियो मेरा मेहमान सुताए हाड़ा शोर ना करियो मेरा मेहमान सुताए सरकार मैं जंगल सी हुन जन्नत बन गया हां दशमेश शगन शाह दे पैरां विच खड़ गया हां सरकार मैं जंगल सी हुन जन्नत बन गया हां दशमेश शगन शाह दे पैरां विच खड़ गया हां पूरे सिख कौम दिए ओ पूरे सिख कौम दिए जिंद जान सुताए खाड़ा शोर ना करियो मेरा मेहमान सुताए जंगल माछी बड़ेदा बेनती करे गवामानू सौ दिन गया काज में संगत भई ना संत प्रेम बिना पशु जीवना और पाप बिना भटकंत जंग करदा आया एक संत सिपाही चेहरे तो झलक रिया एदे नूर इलाही हैलीबाज फकीरी दा उंज सुल्तान सुताए हाड़ा शोर ना करियो मेरा मेहमान सुताए ए सच दी राह उते घर बार लुटाया फिर भी ए शुक्र एदे रहंदा हर सां उते पूरा कुल्फा कौम लई कर कुर्बान सुताए साडा शोर ना करियो मेरा मेहमान सुताए साडा शोर ना करियो मेरा मेहमान सुताए लकड़ी जली को ओला बना और कोलियों बन गई राख जिंद पापन जे जब जली ना कोड़ा बनी ना राख वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हांजी भाई किकना लग्या बाबा जी ने अपा नूं देख लो महाराज दे गुण सुनाए बहुत वधिया लग्या है ना महाराज दे नाल देखो एक गल है भी इन्हां ने गुण गाया अपने बच्चों नूं किन्ना इन्हां दे नाल देखो है ना पता लगता ठीक है ना हाँ ये देखो हूँ ये गली दे विच हरेक दे पिंड दे विच घूमदे आ इहदे नाल हुण देखो तीन चार बच्चे आ कोल आ के ते जानी एक देख लो भी सहदे अपने सारे ये एक अपने परिवार आ इन्हां दा बहुत धन्नवाद है बाबा जी वैसे तुहानूं वैसे बच्चों पर तुहाडा ज़्यादा प्रभाव है ना जी सब तो वड्डा उपदेश है महाराज का कहिंदे साधु दा इक्को ही कर्म हुंदा कि जद उपदेश देण जाणा किसे नगरी दे विच जाणा ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਲੇਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਫਤਿਹ ਰੱਖਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਕਣਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਪੜਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਅਜਨਾਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤਲੋਕਪੁਰੀ ਬਾਬਾ ਤਲੋਕ ਚਾਂਗੀਗੜ੍ਹ ਮਾਤਾ ਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਧੂ ਪਰਿਵਾਰ